अंदर की चीज़ जो है उसके लिए बहुत से लोगों को यहाँ मैं देखती हूँ अमीबिक डिसेंट्री का ट्रबल है, और अमीबिक डिसेंट्री के ट्रबल से बहुत लोग, ये कॉमन डिजीज़ बन गई है यहाँ, गैस गैस वगैरह बहुत होती है। तो उसके लिए चाहिए खाना ऐसा खाएं जैसे चावल यहाँ लोग बहुत खाते हैं। चावल खाने में हर्जा नहीं है, लेकिन उसमें जो उसका माड़ निकाल नहीं देना चाहिए, और माड़ निकाल भी दिया तो भी धान जो होता है, धान उसके ऊपर का निकाला हुआ जो छिलका होता है उसको थोड़ा सा भून करके और मिक्स करके खाना चाहिए। उसमें फिर क्या होता है कि डाइजेस्टिव होता है और उसकी वजह से वो चावल जो है डाइजेस्ट होता है। अगर मार निकाल दिया तो अच्छा है, चावल का मार निकाल डाला पानी में, भात में पानी डाल के मार निकाल दिया, पर वो खाने का नहीं मार, मार आप साड़ी वाड़ी में लगा ली, और उसमें आप ये जो धान होता है वो धान मिला करके खाए तो उसमें डाइजेस्टिव। तो एक तो आपने उसमें का जो स्टार्च था वो भी निकाल दिया तो कम हो गया स्टार्च, और ऊपर से आपने डाइजेस्टिव भी खा लिया तो डाइजेस्ट हो गया। पर चावल से अच्छा रोटी है, अगर आप लोग पसंद करें कभी कभी रोटी भी खाना चाहिए, रोटी खाने से फ़ायदा रहेगा। उसे जितना आप सॉफ्ट फूड यहाँ लोग खाते हैं, सब चीज़ सॉफ्ट खाते हैं, जैसे कि सब्जी भी बनेगी तो उसमें बहुत सारा झोल रहेगा, हर एक चीज़ में झोल रहता है, तो वो जो झोल है वो थोड़ा कमती करना चाहिए, क्योंकि बहुत झोल लेने से जो इंटेस्टाइंस है वो कमज़ोर हो जाती है, उन्हें से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो कोई हम लोग तो और कोई चीज़ खाते नहीं हैं जैसे कि सलाद वगैरह, तो बेहतर यह है कि कम से कम ऐसी चीज़ें खाएं जो थोड़ा रफेज बनाए, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन हो जाने से फिर गैसेस हो जाते हैं, गैसेस हो जाने से सब तरह की तकलीफ होती है, और गैसेस के लिए सबसे अच्छी दवा मैंने जो देखी है उसका नाम है गैसिक्स, वो ये बनाता है हिमालय ड्रग कंपनी, उसकी दो गोलियां आप खा लें तो वो भी गैसेस को अब्सॉर्ब करती है। वैसे चारकोल की भी गोलियां मिलती है, वो भी फ़ायदा करती है, पर बेहतर यह है कि कोई चीज़ ऐसी करी ना जाए कि जिससे गैसेस हो। गैसेस होते हैं उन चीज़ों से जो ज़मीन के अंदर होते हैं, जो ज़मीन के अंदर होती हैं, जैसे आप मूली है, गाजर है, और आलू है, और अरवी है, और शकरकंदी है, जो चीज़ें मूल में होती हैं वो खाने से गैसेस होती हैं, उनको खाना बंद कर तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा, और शाम को खाना खाने बाद धीरे धीरे 100 गज़ भी बहुत होता है, 100 फुट भी अगर आप चल पा सकें तो बहुत फ़ायदे की चीज़। इस तरह से गैसेस की हम बड़ी शिकायत मैंने देखी लोगों में है, और लूज स्टमक हो जाता है अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते रहें तो वेजिटेरियन खाइए, क्योंकि नहीं खा सकते लोग, लेकिन ज़रूरी है कि आप प्रोटीन फूड खाएँ, उससे बदन का लूजनेस, बदन का छूटना वो चला जाएगा। प्रोटीन ज़रूर खाना चाहिए, उससे मसल्स बनते। दूसरा मसल्स बनाने का एक अच्छा तरीका एक और है कि समुद्र में, यहाँ समुद्र तो है नहीं पर समुद्र में जो घास उगती है उस घास को पीस करके और उसमें कोई सा भी मक्खन या क्रीम कोई सी भी चीज़ मिला करके वो अगर शरीर में रख ली जाए तो भी फ़ायदा करती है, क्योंकि उसमें भी फॉस्फोरस होता है और उससे हमारे शरीर में बहुत फ़ायदा करती है। अगर वज़न बहुत ज़्यादा हो तो आप ये करके देखिए, बड़ा फ़ायदा करती, उसको डाल के और उसमें आप कोई सा भी ऐसा घी ले लीजिए, डालडा या इस तरह की चीज़ जिसमें कि जो कि वेजिटेबल ऑयल जैसे होता है उसमें मिक्स करके उसको, और उससे आप बदन में मालिश करें तो आपका बदन बहुत बन जाएगा। नेचुरल चीज़ों में बहुत कुछ है। अब दूसरा, यहाँ मैं देखती हूँ कि लोगों को पित्त का शिकायत बहुत है, पित्त बहुत होता है, हमेशा उबासी आती है। ऐसे जो लोग हैं जिनको पित्त बहुत होता है उनके लिए चाहिए कि एक कोकम करके फल मिलता है उसका जूस बना करके और उसमें नमक चीनी डाल के उसको पिए। ऐसे लोगों को बहुत चीनी खानी चाहिए, और ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर मैं चीनी वाइब्रेट करके जाऊँगी तो आप लोग वो चीनी खाएं, उससे फ़ायदा होगा। जो वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन आती है, यहाँ बर्निंग होता है, हार्ट बर्निंग होता है, तो ऐसे लोगों को तला खाना नहीं खाना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने चाहिए।
इस तरह से आप अपनी पित्त की भी शिकायत ठीक कर सकते हैं, जिसको पित्त बहुत होता है वो भी ठीक कर सकता है। और जाड़े में जब जाड़ा बहुत पड़ता है उस वक्त में आप सौंठ और चीनी खा सकते हैं। वैसे भी ऐसे लोगों के लिए गन्ने का रस बहुत फ़ायदेकार, गन्ने का रस लिया जाए, गन्ने के रस से आपका जो लिवर है वो ठीक रहेगा और आपको काफ़ी ताजगी मिलेगी। क्योंकि जब लिवर ख़राब होता है तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सेला हो जाता है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। लिवर तो कहते हैं ना, लाइफ के लिए लिवर बहुत ज़रूरी है।